अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी और बीजेपी की स्टार प्रचारक बबीता फोगाट के काफिले पर मेरठ में हमला हो गया। हमले में कई लोग घायल हो गए। वो सिवाल खास विधानसभा के प्रत्याशी मनिंदर सिंह के पक्ष में प्रचार कर रही थी और तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और लोगों के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान कई महिलाओं को भी चोटें आई हैं। ये मामला मेरठ के सरधना क्षेत्र के दबदबा गांव का है। इस हमले में बबीता फोगाट बच गई हैं। इसके अलावा उनकी कार पर भी डंडे बरसाए गए हैं। बबीता फोगाट ने ये कहा है कि ऐसी गुंडागर्दी ये लोग आगे भी करेंगे। बहन बेटियों से अपील है कि एक एक वोट बीजेपी को देना जरूरी हो गया है। एसपी आरएलडी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग जीत नहीं रहे हैं, इसके चलते गुंडागर्दी कर रहे हैं। और कुछ लोग बदतमीजी के साथ, मैं कहूंगी कि जो गुंडे लोग जो थे, सपा और आरएलडी के जो लोग थे, उन्होंने इस तरह की बदतमीजी की और रात चलते हुए महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए, गांव के लोगों के ऊपर डंडे बरसाए, जबकि किसी ने कुछ भी उनको नहीं बोला था और उनके ऊपर डंडे बरसाने, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है, उनकी हार का नतीजा है जो इतना फ्रस्ट्रेशन वो दिखा रही है। रात चलते हुए लोगों के ऊपर अगर आप डंडा बरसा रहे थे, गुंडागर्दी नहीं।